बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो चार्ज नर्स फीमेल की जॉब्स 2024 के रिलेटेड है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC की जानब से चार्ज नर्स फीमेल की जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम एडमिशंस, जॉब्स और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज जो हैं वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चार्ज नर्स फीमेल की जॉब्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 अगस्त 2024 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं बेसिकली 3000 सीट्स हैं और ओनली फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो है वो 36 ईयर्स होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो कैंडिडेट की BSc नर्सिंग जेनेरिक 4 ईयर प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो होना चाहिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का, या इसके अलावा जो है कैंडिडेट का डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास रजिस्ट्रेशन जो है वैलिड होनी चाहिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की, और ओनली पंजाब डोमिसाइल के कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट पैटर्न की बात करें तो 80% क्वेश्चन जो है वो आपके क्वालिफिकेशन के रिलेटेड होंगे, जबकि 20% क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल नॉलेज के रिलेटेड होंगे। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले PPSC की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है जॉब्स का, जॉब्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। एग्री करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है केस नंबर 21D 2024, इसके सामने आपको ऑप्शन शो हो रहा है चार्ज नर्स फीमेल का, आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा है प्रोसीड का, प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एग्री करना है। एग्री करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने CNIC नंबर विद डैशेज इंटर करना है, इसके बाद CNIC नंबर विदाउट डैशेज इंटर करना है अपने, और प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने ईमेल एड्रेस जो है अपना वो इंटर करेंगे, इसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर जो है अपने वो इंटर करना है और प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर अपने दोबारा क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल फ़ोन नंबर को जो है वो वेरीफाई करेंगे, इधर आपके सामने ऑप्शन शो है वेरीफाई का, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने जेंडर जो है अपना वो सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो है अपनी वो इंटर करनी है। इसके बाद अगर आप करंटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अपने येस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप स्पेशल पर्सन हैं तो अपने येस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर्ड पर्सन हैं तो अपने येस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने फुल नेम जो है अपना वो इंटर करेंगे, इसके बाद रिलीजन का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद नेम ऑफ रिलीजन अपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद CNIC की एक्सपायरी डेट जो है अपने वो इधर सेलेक्ट करनी है, इसके बाद पोस्टल एड्रेस जो है अपने वो इंटर करना है, इसके बाद अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो आपने वो इधर इंटर करना है, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद फादर का नेम जो है अपने वो इंटर करना है, इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद डोमिसाइल की इशुएंस डेट जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने सिलेक्ट करना है, इसके बाद नीचे अपने अदर इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो इंटर करेंगे, इसके बाद नीचे अपने PNC का रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर जो है अपने वो इंटर करना है, और रजिस्ट्रेशन कार्ड की एक्सपायरी डेट जो है अपने वो इंटर करनी है, इसके बाद नंबर ऑफ चांसेस जो है अपने वो सिलेक्ट करने हैं, पहले अपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपने वो सिलेक्ट करना है, इनकेस आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो अपने 0 के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद टेस्ट सेंटर और इंटरव्यू सेंटर जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, और सेव इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो अपनी वो पे करेंगे, टोटल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो बेसिकली 600 रुपीज़ है, जो कि आप किसी भी इजी पैसा जैज़ कैश एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट करने के लिए अपने इजी पैसा एप्लीकेशन जो अपनी वो ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गवर्नमेंट फीस के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन शो होगा ई अभियाना का, उस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने PS ID नंबर जो अपना वो इंटर करेंगे और अपने पेमेंट करनी है। अपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो सबमिट करवाने के बाद अपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर अपने व्हाइट बैकग्राउंड में अपलोड करनी है। इसके बाद अपने CNIC की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को जो है अपने सबमिट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।